आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, मैं क्वेश्चन को फटाफट पूरा का पूरा पढ़ देता हूँ, ठीक है, ताकि जिनको क्वेश्चन बनाना हो खुद से तो वो वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन फिनिश करने के बाद वीडियो पॉज कर लीजिए, करके फिर अपने से बनाइए। अगर अपने से बन जा रहा है या नहीं बन रहा है तो भी दोनों केस में आप फिर से वीडियो को पूरा देखिएगा कि सर कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्या क्या तरीका हो रहा है, क्या आपका भी तरीका उसी तरह मैच कर रहा है सर के तरीके से। अगर कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, नहीं कर रहा है तो जो आपको सूटेबल लगे, जो बेहतर लगेगा उस तरीके को यूज़ कीजिएगा। हो सकता है आप मुझसे बेहतर तरीका अपना रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। चार्ज क्यू इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ बॉडी। क्यू चार्ज एक बॉडी पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। हाउ शुड द बॉडी बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स सो दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ बॉडी इज मैक्सिमम फॉर अ गिवन सेपरेशन बिटवीन देम। दो बॉडी को, एक बॉडी है जिसपे कि चार्ज q पूरा का पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो कह रहे हैं कि इस दो पार्ट में कैसे डिवाइड करें हम इस चार्ज को, ठीक है, किस तरह से डिवाइड करें ताकि इनके बीच में एक किसी भी सेपरेशन पे, किसी भी पार्ट का सेपरेशन पे इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स मैक्सिमम हो। ठीक है, मतलब डिस्टेंस से मतलब नहीं है, अब किसी भी डिस्टेंस पे मैक्सिमम फोर्स चार्ज के सेपरेशन से मतलब है। ठीक है, तो टोटल नेट चार्ज कितना है, हाँ आप खुद से बनाइए, वीडियो पॉज करके खुद से बनाइए फिर देखिएगा। ठीक है, टोटल चार्ज कितना है क्यू, अगर बना लिए हैं तो वॉच कीजिए, ओके क्यू, और इस क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं दो पार्ट में। मान लीजिए एक बॉडी पे, ठीक है, स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज आया। अगर इस पे स्मॉल क्यू अमाउंट का चार्ज आया तो पहले बॉडी पे, ठीक है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक पार्ट में अगर स्मॉल क्यू चार्ज आता है तो दूसरा पार्ट में जो चार्ज बच रहा होगा वो होगा या जा रहा है तो कैपिटल क्यू और माइनस क्यू। तो अगर चार्ज को डिवाइड करते हैं, क्यू चार्ज को दो पार्ट में, तो एक में मान लेते हैं क्यू अमाउंट का, अब ये कितना है पता नहीं, वेरिएबल है ये कोई, ठीक है, कोई वैल्यू हो सकता है। अभी पूछ रहा है आपको कि कितना अमाउंट में रखा जाए चार्ज का इस क्यू से, क्यू के रिस्पेक्ट में कितना टाइम्स, ठीक है, चलिए देखें। मान लेते हैं इस पर क्यू अमाउंट का चार्ज है और इस पर कितना हो जाएगा रिमेनिंग टोटल चार्ज और माइनस वो चार्ज, दो बॉडी हो गया, दोनों पे चार्ज हो गया, तो इसके बीच में फोर्स मैक्सिमम लगना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स के क्यू वन क्यू टू, तो क्यू वन क्यू माइनस क्यू अपॉन इंटू क्यू टू, ठीक है, अपॉन डिस्टेंस जो भी रहेगा डी स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ में k तो हमारा कांस्टेंट है और एक पार्टिकुलर सेपरेशन में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा, तो सेपरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, उस कांस्टेंट सेपरेशन पे इस चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें कि मैक्सिमम होना है फोर्स। तो ये वैल्यू हमारा वेरिएबल वैल्यू है, कौन सा वैल्यू, इसको लिखेंगे q, q सॉल्व कर लेते हैं, कैपिटल क्यू क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन एक आ रहा है अपने पास, ठीक है, वेरिएबल एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम होना है, ओके, फोर्स को मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि के हमारा कांस्टेंट है, डी स्क्वायर एक पार्टिकुलर सेपरेशन कांस्टेंट है एक कांस्टेंट सेपरेशन पे। तो ये दो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, तो इनका वेरिएबल, इनका वेरिएशन होना नहीं है, तो वेरिएबल कौन हो गया ये, और इस वेरिएबल का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो फोर्स का वैल्यू मैक्सिमम, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये वैल्यू, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल हमारा है, इस वेरिएबल को मान लीजिए, इस वेरिएबल को आप y, ठीक है, जो कि फंक्शन है किसका, q का, ठीक है, समझते हैं फंक्शन, नहीं समझते तो आप 11th में देखिएगा, नीट वाले को थोड़ी दिक्कत हो सकता है। मैं नीट वाले के लिए एक सीरीज स्टार्ट करूँगा जिसमें कि सिंपल वे में, बहुत बहुत सिंपल तरीके में डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, फंक्शन ये सब बताऊँगा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आते हैं और बहुत इजी आते हैं, मैथ्स वाले तो देख के हंसने लगते हैं कि अरे यार क्या पूछा है, क्योंकि वो पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, और आपको नहीं पढ़ना होता है, 10th तक ही पढ़े रहते हैं, ठीक है, खैर कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए भी एक सीरीज स्टार्ट करूँगा उसमें बहुत सिंपल वे में, ठीक है, जो मैथमेटिक्स नहीं जान रहे हैं, मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आ रहा है, उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है, इस तरह से बनाएंगे सीरीज को, ठीक है। खैर फिलहाल देखते हैं यहाँ पे y, मैंने कहा कि इस वेरिएबल का वैल्यू मैक्सिमम होना है, ठीक है, इसको y मान लेते हैं। तो मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या होना है यहाँ पे इस केस में, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारा, ठीक है, इसका y जो फंक्शन है q का,
तो y का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, जिसका फंक्शन है उसमें डी क्यू में, ठीक है, तो dy अपॉन डी क्यू का वैल्यू जीरो होना चाहिए। ये जीरो क्यों होगा, ठीक है, रटना पड़ेगा क्या, रट ही लेते हैं बायोलॉजी वाले, ठीक है, और फिलहाल रट ही लीजिए क्योंकि अब आपको यहाँ पे समझ नहीं आया कि ये निगेटिव है पॉजिटिव है, किस में ग्राफ ओपन किधर से होगा। हालांकि ये एक डिफरेंशियल वैल्यू होता है, टेंजेंशियल वैल्यू बोलते हैं इसको, टेंजेंट, ठीक है, ग्राफ जैसे कि इस तरह के इक्वेशन के लिए ग्राफ इस तरह से होता है, जिसमें ये टेंजेंट जो होता है, टेंजेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जो एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, तो हर एक पॉइंट पर डीवाई अपॉन डीएक्स, डीवाई अपॉन डीएक्स करते हैं, तो ये जो पॉइंट पिक पॉइंट था मैक्सिमम वैल्यू जब आता है, तो मैक्सिमम वैल्यू में क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू के केस में आपका ये लाइन जो एक्स है इसके पैरेलल हो जाता है यहाँ का टेंजेंट dy अपॉन dx, ठीक है, तो चेंज इन y इस पॉइंट पे, चेंज इन y में कोई चेंजिंग नहीं होता क्योंकि पैरेलल होगा ग्राफ अगर x के, तो उस समय y में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जिसके चलते ये जीरो होता है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू तब आ पा रहा होता है जब ये जीरो होता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, हालांकि मैथ्स वाले के लिए बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत ईजी चीज़ है कि ये पढ़ते रहते हैं, नीट वाले अपने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, खैर कोई बात नहीं, मैं 11th में बताऊंगा, 11th का जब सीरीज स्टार्ट करूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, तो dy अपॉन डी क्यू, ठीक है, dy अपॉन डी क्यू फंक्शन है स्मॉल q का, ठीक है, वेरिएबल यही है क्योंकि कैपिटल Q तो हमारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, बिकम्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए किसके लिए, फॉर मैक्सिमा का कंडीशन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होना है इस एक्सप्रेशन का, पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ये नहीं कि क्यू का मैक्सिमम वैल्यू है वो, ठीक है, पूरे एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके लिए हमें ये जीरो होना चाहिए, ठीक है, अब करते हैं, तो डी क्या है, क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डी क्यू बिकम्स इक्वल्स टू जीरो, मतलब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए और इसको जीरो कर दीजिए, ठीक है, तो देखा जाए क्या होगा, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू माइनस में है, ठीक है, ये क्यू कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपको याद होगा पहले तो हम हायर टर्म को कर लेते हैं फिर लोअर को कर लेते हैं, क्या कोई दिक्कत, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस लिख लीजिए, टू आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यू, क्यू कर देंगे पावर टू माइनस वन, ऐसे ही होता डिफरेंशिएशन, ठीक है, जो भी पावर रहेगा टू माइनस वन पुट कर लीजिएगा, मतलब वन, ठीक है, ये हो गया वन, ओके, तो सीधा टू क्यू लिख रहे हैं, उसके बाद ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव वाला, प्लस ये क्या है, क्यू कांस्टेंट है, ये कैपिटल क्यू गिवन वैल्यू है, ये क्यू, अब क्यू टू द पावर वन है, वन आगे आके मल्टीप्लाई होगा तो वन से कोई दिक्कत नहीं, और क्यू का पावर वन माइनस वन जीरो, क्यू टू द पावर जीरो बिकम्स इक्वल्स टू वन, ठीक है, तो क्यू इंटू वन, सिर्फ क्यू रह जाएगा, ये डिफरेंशियल वैल्यू आ गया, ये डिफरेंशियल वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो मैक्सिमम के लिए, ठीक है, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम आने के लिए, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो होना है इस केस में, ठीक है, क्यू हमें फाइंड करना है, तो ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं माइनस टू क्यू बिकम्स इक्वल्स टू कैपिटल क्यू को इस तरफ शिफ्ट कर दिया है जाए तो माइनस क्यू हो जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव फिनिश, आप कट कर दीजिए, चाहे मेरे पास ऑप्शन नहीं मिटाने का बता रहा, लेकिन आप तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, मैं कट ही कर देता हूँ, ये ख़त्म, बचा टू क्यू इक्वल्स टू क्यू, तो क्यू बिकम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू बाय टू, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्यू अमाउंट का चार्ज को जो कैपिटल क्यू है इसको दो बॉडी पे अगर हाफ हाफ डिवाइड करें, क्योंकि क्यू का वैल्यू कितना होना चाहिए, क्यू बाय टू हाफ क्यू, ठीक है, तो दोनों बॉडी में हाफ हाफ अगर डिवाइड करेंगे तो उस केस में किसी भी सेपरेशन पे फोर्स जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा,